कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये कहते हैं ए बी सी डी ई एफ, सिक्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ थ्री जनरेशंस। तीन पीढ़ियों की बात करें तो ये ए से लेकर एफ तक ये छह लोग एक फैमिली में हैं। ए इज द फादर ऑफ सी, बट सी इज नॉट हिज सन। सी ए का बेटा नहीं है, लेकिन ए सी का फादर है। ई इज डीज ब्रदर इन लॉ एंड फादर ऑफ एफ। एफ इज बीज ग्रैंडसन। एफ जो है वो बी का ग्रैंडसन है। डी इज द सन ऑफ बी। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। इस फैमिली में मेल लोग कितने हैं ये पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए इज द फादर ऑफ सी, बट सी इज नॉट इन हिज सन। ए फादर तो है पर सी बेटा नहीं है। क्योंकि सी बेटा नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे कि सी जो है वो बेटी है। सी इज द डॉटर। जो मेल होगा फैमिली में उसको हम इस वाले डब्बे में डालेंगे और जो लड़की होगी उसको हम इस वाले सर्कल में डालेंगे। तो हमने देखा कि क्योंकि सी बेटा नहीं है इसलिए सी ए की बेटी है। आगे कहते हैं ई इज डीज ब्रदर इन लॉ एंड द फादर ऑफ एफ। देखिए ये वाली चीज हमने पिछले स्लाइड में प्रूव कर दी। अब वो कहते हैं ई जो है वो एफ का फादर है, तो ये ई एफ का फादर है और ई जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ है। अब हमें ये नहीं पता कि किस तरह से ई डी का ब्रदर इन लॉ है। हो सकता है कि ई की जो बहन है वो डी की वाइफ है, या ये भी हो सकता है कि डी की बहन ई की वाइफ है। वो किस एंगल से ब्रदर इन लॉ है ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर ई की बहन उसकी वाइफ है डी की तब भी वो ब्रदर इन लॉ लगता है, और अगर डी की बहन ई की वाइफ है तब भी वो ब्रदर इन लॉ लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस वाले स्पेस को ब्लैंक अभी छोड़ा है। अब हमें ये नहीं पता कि F जो है वो गर्ल है कि बॉय है, इसका हम श्योर नहीं है, इसलिए हमने F को ना तो डब्बे में डाला है ना सर्कल में डाला है। नाउ बिकॉज E हैज अ चाइल्ड, E का F बच्चा है और वो मैरिड है और उसकी एक वाइफ भी है, इसलिए हमने ये वाला सर्कल जो है यहाँ पर अभी खाली डाला है। आगे लिखा है F इज B's grandson, D इज द सन ऑफ B। तो बिकॉज बी इज द पेरेंट ऑफ डी, अभी हमें लिखा कि जो बी है वो डी का पेरेंट है। वी डू नॉट नो द जेंडर ऑफ बी, हमें नहीं पता कि बी लड़का है कि लड़की है, इसलिए हमने इसको अभी ना सर्कल में डाला है ना डब्बे में डाला है। लेकिन ये क्लियर होता है कि एफ इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ बी, वो उसका ग्रैंडसन है, मदर की साइड का ग्रैंडसन है। और ये भी हमें पता चलता है कि F एंड D आर मेन, ये दोनों बॉयज हैं, इसलिए हमने इनको डब्बे में डाल दिया। नाउ पुटिंग A एंड C इनटू द ब्लैंक स्पेसेस, जो ब्लैंक स्पेसेस हमने पिछली स्लाइड्स में रखे थे उसमें हमने A और C डाले और वो फिट हो जाते हैं कि वो A जो है वो बॉय है और जो C है वो गर्ल है। तो हमारा आंसर ये आता है कि हमारे पास चार मेल मेंबर्स हैं।